हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, हम आज इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे। जब भी कभी हम वर्क प्लेस में वर्क कर रहे होते हैं और अचानक से अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए हम कितने वेल प्रिपेयर हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हमारे इंडस्ट्री में या वर्कप्लेस पे आती है तो हमारे इमरजेंसी क्या एक्शन है, क्या प्लान्स हैं, क्या हमने उनमें प्लानिंग कर रखी है कि इमरजेंसी अगर आती है तो हम इस तरीके से उससे डील करेंगे या इस तरीके की इमरजेंसी होगी तो हम ऐसा करेंगे। तो ये प्लानिंग अगर हम पहले से करके रखेंगे तो आगे चल के तभी हम इमरजेंसी स्टेप्स ले पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सडन एक्शन कोई और वो सडन एक्शन जो है वो काम कर जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए हम इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम करते हैं जिसकी हम प्लानिंग करते हैं, लॉजिकल एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसमें हर तरीके से काइंड ऑफ इमरजेंसीज चेक करते हैं कि किस किस तरीके की इमरजेंसी हो सकती है। उसमें हम टिपिकली उसको ऑब्जर्व करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं डेंजर की कि इसमें डेंजर कितना है और हमारा इमीडिएट एक्शन कैसे हम इस पर ले सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो एक्सीडेंट्स हैपन जो होते हैं, जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। ठीक है, जब हम एक्सीडेंट्स का जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम क्या उसमें चेक करेंगे, नॉलेज हमें होनी चाहिए पहले तो हैजार्ड की, कि हम हैजार्ड्स जो हैं वो किस तरीके से कंट्रोल करें। ठीक है, उसे कैसे एक्यूमुलेट करें, कैसे उसको ऑब्जर्व करें, उसकी एक्यूरेसी जाने कि अगर इस तरीके से कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें किस तरीके से इमरजेंसी स्टेप लेने होंगे। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हम एक सर्वे करेंगे, एक प्रोफेशनल सर्वे करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई हैजार्ड है, ठीक है, हमें पता चल गया कि ये काम जो है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, अब हमें पता, जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल वर्क है भाई, इसमें शॉक भी लग सकता है। ठीक है, शॉक लगने के चांसेस कितने हैं, अगर आपने ठीक से सिस्टमेटिक वे में नहीं कराया तो 50% चांसेस आपको करंट लग सकता है। ठीक है, 100% चांसेस हो सकते हैं फिर तो, क्या आपको करंट लग सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी तब हम सर्वे करेंगे। तो प्रोफेशनली हम क्या करेंगे, सेफ्टी एक्सपर्ट्स के थ्रू, सेफ्टी जो इंजीनियर है वहाँ का, उनके थ्रू हम बेसिक कंट्रोल एक्शन तैयार करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम सीरियस और मेजर इंजरीज को भी चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से इंजरीज हो सकती हैं और उन इंजरीज को हम कैसे प्रोफेशनली तरीके से उनको रोक सकते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम अपना जो कंट्रोल प्लान बनाएंगे, कंट्रोल प्रोग्राम बनाएंगे, उसके दौरान हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो वहाँ से बात आती है इमरजेंसी एक्शन प्लान की। अब एक्शन प्लान क्या रहेगा, एक्शन प्लान हमारा ये शो करेगा कि जो भी हैजार्ड है उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी की है। हमने जो तैयारी की है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने जब सर्वे किया था तो हमने उसमें इमरजेंसी चेक की कि हमें इमरजेंसी एक्शन हमारे कितने टाइम में आना है। ठीक है, और उसका पहले तो हमें सेफ्टी एग्जिट्स हमें पता होना चाहिए, मतलब कि हम उस हैजार्ड से कैसे बाहर निकले, हम कैसे सेफ्टी रखें उसमें कि हम इस तरीके के एक्सीडेंट के अंदर पड़ ही ना पाएँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मेंटेनेंस करेंगे लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, जब हम प्लान बनाएंगे तो हमने प्लान बनाया कि इस काम को, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है उसमें हम अगर ग्लव्स पहनेंगे, हमने अपने सारे वायर्स चेक कर रखे, उनके इंसुलेशन अच्छे से हो रखी है, ठीक है, सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, तो हमारे क्या वहाँ से, अगर हमने सारे मेंटेनेंस करके रखे सभी ऑर्डर और लॉज और उनको हमने प्रॉपर्ली फॉलो भी किया, तो क्या इस तरीके का एक्सीडेंट हो पाएगा, नहीं होगा तब। क्योंकि देखिए 100% जो इमरजेंसी चांसेस हो सकते हैं उसमें से हम 50% तो खुद से ही उसे लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम सेफ्टी ना रखें तो आए दिन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आए दिन जो है इमरजेंसी आ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और इस तरीके से हम अपना मेंटेनेंस एंड लॉ ऑर्डर जो फॉलो करेंगे और हम अपने होने वाले प्लान जो जनरेट किए हमने उनको चेक करके ये इस तरीके के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, चलिए मान लीजिए हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने तो अपनी इंडस्ट्री को, अपने वर्कप्लेस को सेव कर लिया। ठीक है,
इन केस फिर भी चांसेस रहते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें इमरजेंसी आई जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैयार करेंगे जो कि इमरजेंसी के टाइम पर इतनी एक्टिव हो कि वो तुरंत रिस्पॉन्स करे और होने वाला जो भी एक्सीडेंट हुआ है उससे वो बचा सके। चलिए मान लीजिए आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और अचानक से आग लग गई, ठीक है, तो इसके लिए आपने एक इमरजेंसी टीम जो आपकी है, रिस्पॉन्स टीम जो है वो इतनी एक्टिव रहेगी कि वो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उस आग पर चली जाएगी और उस पर काबू पा लेगी, ठीक है। तो रिस्पांस टीम जो है उसका यही काम होता है कि कोई भी इमरजेंसी आती है उसमें 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उस पर जाके वो रिस्पांस कर दे, ठीक है, और उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी तरीके का हैजार्ड हो रहा है तो वो उसको टैकल कर पाए, ठीक है। उनको मेडिकल केयर और जो इंजर्ड पर्सन उनको मेडिकल केयर भी उनको सिखाई जाती है, थोड़ी सी फर्स्ट एड कैसे देते हैं ये भी उन्हें सिखाया जाता है, उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है जैसे एम्बुलेंस को कॉल करना, डॉक्टर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। तो हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम को अपना क्या किया, हमने उसे वेल ट्रेंड किया, उसे रिस्पांस टाइमिंग बताया कि आपको इमरजेंसी रिस्पांस इतने से इतने टाइम के बीच करना है, ठीक है, और उसे फर्स्ट एड देना सिखाया, मेडिकल केयर देना सिखाई कि फ़र्स्ट एड एज अ मेडिकल केयर आप कैसे देंगे, ठीक है, इमीडिएट एक्शन देना सिखाना होगा उस ट्रेनिंग में, पूरी तरीके से उन्हें ट्रेंड करना होगा तब जाके इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैयार होती है, ठीक है। साथ में अपनी कंपनी में वर्क प्लेस में ये भी बताना होगा जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो सभी लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, सभी लोग असेंबली पॉइंट में मिलेंगे। अगर पूरी इंडस्ट्री में वर्क प्लेस पर कहीं भी इमरजेंसी आती है तो जो आपका एक असेंबली पॉइंट रहता है या इमरजेंसी पॉइंट रहता है वहाँ जाके सब मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिस्पांस टीम तैयार होती है। फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस चेकलिस्ट, ठीक है, तो जब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस चेकलिस्ट हम चेक करते हैं तो उसमें यही चेक किया जाता है कि आपने क्या अपना प्लान ठीक से तैयार किया है, क्या आपने अपनी इमरजेंसी रिस्पांस टीम अच्छे से तैयार की है, क्या आपकी पॉलिसीज़ मेंटेन है, क्या आपके ऑर्डर्स मेंटेन है, क्या आपने लॉज जो बनाए हैं वो मेंटेन्ड है, क्या आपने ठीक से सर्वे किया है। तो प्रिपेयर्डनेस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, और उसके बाद चेकलिस्ट जब की जाती है तो चेक किया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हो चुकी हैं या नहीं, मतलब हमने जो प्रिपेयरिंग की थी क्या वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अभी या नहीं, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पहले हम करते हैं, देन उसके बाद चेकलिस्ट बनाई जाती है कि ये सारी चीज़ें अब लागू कर दी गई हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्रामिंग में यही है, आपको मेंटेनेंस ऑफ लॉज एंड ऑर्डर्स होने चाहिए, इवैक्यूएशन ऑफ पीपल होना चाहिए, रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज एंड देयर डिस्पोजल पता होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई क्या होता है इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम में कुछ कभी कभी ऐसी इमरजेंसीज भी आ जाती हैं जहां लोगों की जान तक चली जाती है, तो हमें इसीलिए ये पॉइंट रखा गया है रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज़ एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है। तो उनका डेड बॉडीज़ का भी मतलब ख्याल रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में आपके जो भी सामान जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको आपने ऐसी रखा छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसे रेयर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनमें लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है। तो मेडिकल केयर और फर्स्ट एड इसीलिए देना ज़रूरी होता है कि ताकि हम किसी इंसान की जान बचा सके, ठीक है। और इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्रामिंग के अंदर आपका वाटर सप्लाई लाइन्स भी होती हैं और फूड सिस्टम भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें आपको चोट ना लगने पाए उसके साथ साथ आपकी इनर हेल्थ का भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आप क्या पानी पी रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, इन सब के ऊपर भी, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताया, ये अभी इमरजेंसी प्लानिंग से ही मैं आपको करा रही हूँ ये टॉपिक्स, तो इमरजेंसी प्लानिंग एंड फर्स्ट एड से ही रिलेटेड था ये इमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम। सो थैंक यू।